यस बोलो सुशी। मैम उसको फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में भेजने के बाद कॉट टू थीटा बनेगा, और जैसे कॉट टू थीटा बनेगा तो हम लोग उसको लिख सकते हैं tan पाई बाय टू प्लस टू थीटा। ओके के बाद tan x इक्वल टू tan y लगा के वो निकाल लेंगे। ओके ओके ठीक है, आपका मेथड करेक्ट है ठीक है, बट जो आप ये बोल रहे हो ना कि आप सबसे पहले ये tan 2 थीटा को शिफ्ट करोगे, तो वो करने के अलावा या फिर वो करने से अच्छा आप tan थीटा को ही शिफ्ट करो। 2 थीटा यहाँ पे रहेगा चलेगा, क्योंकि अगर वो उस साइड जाएगा ना तो वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। ओके इवन दो इट विल बिकम cot 2 थीटा और हम फिर पाई बाय 2 माइनस करके थीटा लिख सकते हैं, बट स्टिल इट विल क्रिएट कॉम्प्लिकेशन। ओके सो इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग यहाँ पे 2 थीटा लेते हैं, हम वी कैन डिवाइड इट लेटर। ओके सी तो जैसे आपने बोला वैसे ही कर रही हूं मैं भी, थोड़ा सा डिफरेंट है, कभी कभी आंसर आएगा भी करेक्ट, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाए। सो बोला है tan 2 थीटा into tan थीटा इक्वल्स टू 1। अभी जनरल सॉल्यूशन के लिए अपने पास तीन कैटेगरीज है ठीक है, तीन कैटेगरीज फॉर जनरल सॉल्यूशन, हमेशा याद रखो, एक तो sin x इक्वल्स टू sin y, cos x इक्वल्स टू cos y, या tan x इक्वल्स टू tan y, ऐसे आपको होना चाहिए ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे tan tan दिख रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे थर्ड कैटेगरी यूज करना पड़ेगा, साइन और कॉस का तो कोई बात ही नहीं है, है ना। तो इसको इस फॉर्मेट में हमें लेके आना है, मतलब tan एक एंगल का tan एक साइड पे, दूसरे एंगल का tan दूसरे साइड, एंड देन वी कैन फाइंड आउट इसका जनरल सॉल्यूशन। तो tan x और tan y का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस y, n पाई प्लस y, है ना। तो ये हमें पता है ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला है ऑलरेडी ठीक है। अभी मुझे इसको इसके फॉर्मेट में पहले लेके आना है ठीक है, फॉर्मेट चाहिए हमें। सो आप एक तो tan 2 थीटा को भी शिफ्ट कर सकते हो, नहीं तो tan थीटा को भी कर सकते हो। आई एम गोइंग टू डू द इजी वे, tan 2 थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा व्हिच इज cot थीटा। ओके अभी cot थीटा चलेगा क्या, नहीं मुझे tan ही चाहिए यहाँ, करेक्ट, cot नहीं, तो cot को tan में कैसे कन्वर्ट करें, pi टू माइनस थीटा tan, यस pi बाय टू माइनस थीटा। आपको पता है pi बाय टू से ऐड करोगे या माइनस करोगे आपको वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलेगा, तो cot बन जाएगा tan, tan थीटा, करेक्ट, इतना समझा है, यस सॉरी। तो ये हमको ऐसे लिखना है, tan pi by 2 माइनस थीटा cot थीटा होता है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं। अभी यहाँ पे tan tan आ चुका, सो tan tan विल गेट कैंसिल, बचा क्या 2 थीटा, सॉरी। सो इसको अभी हम लोग इफ हाँ tan x इज इक्वल टू tan y, ये हमारा थ्योरम है। यहाँ पे x कौन है 2 थीटा, y कौन है, ये पूरा है आपका y, देन देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस y, ओके नॉट थीटा एक्चुअली x इक्वल्स टू, ओके ये आपका पूरा थ्योरम है। अभी यहाँ पे x कौन है, x है ये है पूरा y, राइट, सो देयरफॉर 2 थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा। अभी ये 2 नहीं चाहिए मुझे, यस करेक्ट, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए क्यों, क्योंकि हमें ये 2 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ थीटा चाहिए। सो 2 को लेके जाओ इस साइड, एन पाई बाय 2 प्लस ये भी बाय 2 हो जाएगा, करेक्ट, दैट इज
by 4 minus theta by 2. Okay? सिंपली हम लोग थीटा को एलएचएस में लेके आते हैं ना, फिर 3 थीटा हो जाएगा. ओके, यस. तो वैसे भी करो, अगर उससे भी जल्दी आंसर आ रहा है देन आल्सो इट्स फाइन. ओके, यस मैम. यस, सो दिस विल बी देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू एन पाई बाय 3 प्लस pi by 6. ओके, तरीका से आया. यस, थ्री थीटा भी तो जाएगा ना उस साइड वापस. इसको देखो, सारे थीटास को एक साइड पे लेके आना है आपको, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड. फिर वो जाएगा, जो भी यहाँ पे बचेगा आपको उसका वापस 2 थीटा बन जाएगा वो, करेक्ट? तो उसको वापस यहाँ पे लेके आओ. सो जब आप पूरा इसको ये करोगे, व्हेन यू सिंपलीफाई दिस, यस हिमाली, आई नो योर फर्स्ट लेक्चर इट इज टुडे. सो हाँ, मैंने वही बोला था स्टार्टिंग में, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको ये थोड़ा सा बाउंसर जाएगा, क्योंकि हमारा सेकेंड लेक्चर चल रहा है, ठीक है, ऑफ एंट्रेंस. आई हैव कंप्लीटेड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, वो जो थर्ड चैप्टर है आपका बोर्ड्स का, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है. उसके बाद मैंने एंट्रेंस का सिलेबस स्टार्ट किया है, उसका भी ये सेकेंड लेक्चर है. ओके, सो या यू विल फेस अ लिटिल, थोड़ा सा बाउंसर जाएगा आज का सेशन, बट अगर आप इसके प्रीवियस एक दो सेशंस का रिकॉर्डिंग भी देख लोगे ना, देन यू विल गेट एन आइडिया. ओके, यस, सो देयरफॉर फाइनली थीटा मैं लिखती हूँ कॉमन पाई बाय 3 एन प्लस 1/2 पाई बाय 3. Okay, that is option A. So सारे थीटास को अपने को लेके जाना है लेफ्ट हैंड साइड में, तभी आपको ये आंसर मिलेगा. ओके, सो बेसिकली क्या करना है, यस यस, आई एम रिपीटिंग ओनली. सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज, जब भी जनरल सॉल्यूशन बोले तो इन तीनों में से ही कोई ना कोई कैटेगरी में आपका आंसर फॉल होगा. यहाँ पे tan है तो tan tan के साथ हम करेंगे, फिर किसी भी एक tan को राइट हैंड साइड में लेके आओ, वो बनेगा cot. ओके, cot बनेगा, फिर cot को tan में कन्वर्ट करना है. हाउ टू डू दैट, cot इज नथिंग बट tan ऑफ pi by 2 माइनस थीटा. ओके, 90 माइनस थीटा करेंगे तो tan और cot इंटरचेंज हो जाएगा. इसके बाद मुझे मिल गया tan और tan, दोनों LHS RHS में. सो आई कैन राइट डाउन दिस फॉर्मूला, रेड कलर से मैंने फॉर्मूला लिखा है. सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा. ओके, सो अगर चाहिए सो आप यही से थीटा को उस साइड शिफ्ट कर सकते हो इफ यू वांट, थोड़ा और सिंप्लीफाई. ओके, सो देखो ये क्या बनेगा, ये माइनस थीटा है, इसको शिफ्ट कर देंगे प्लस थीटा हो जाएगा. सो 3 थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस पाई बाय 2. अभी सिर्फ थीटा चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ पे लेके आओ, एन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6. बट मुझे ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है. एवरीथिंग इज इन पाई बाय 3 या पाई, तो मैं यहाँ से पाई बाय 3 कॉमन ले लेती हूँ. ओके, सो अगर मेरा राइट हैंड साइड में भी थीटा है तो मैं उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगी, तभी आंसर मिलेगा. ओके, सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है. yes. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन. द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन cos 2 theta equals to sin alpha is, cos 2 theta equals to sin alpha is, देखो जो दिया है उसी से स्टार्ट करेंगे. इसमें भी जनरल फॉर्मूला, जनरल वैल्यू ही ढूंढना है. ओके, जनरल वैल्यू, अभी देखो इसमें cos और sin दोनों है, तो आप
कॉस या साइन दोनों में से किसी एक में भी इसको ट्रांसफर या कन्वर्ट कर सकते हो. बट आई एम गोइंग टू डू इट इन कॉस, क्योंकि कॉस का क्या होता है रे जनरल? छोड़ उसको, करो ही मत कभी, तो हम इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है सर, ऑप्शन डी मैम. अरे वाह, वेरी गुड, यस करेक्ट, वेरी नाइस. Let me explain it very quickly. Is equal to sine alpha. ये मुझे दिया हुआ है. मुझे अल्फा को बनाना है cos. Sine को बनाना है cos. So that is nothing but cos of pi by 2 minus alpha. Okay. So therefore, ये हो गया 2 theta. अभी मैं यहाँ पे I am going to use my formula. That is if cos x is equal to cos y, then x is equal to 2n pi plus or minus y. ठीक है, यहाँ पे x कौन है? ये है x और ये है पूरा y. Okay? So, therefore, 2 theta is equal to 2n pi plus or minus pi by 2 minus alpha. Okay? थीटा को लेके जाओ उस साइड पे, दिस विल बी थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस और माइनस. अभी ये देखो पाई बाय टू है, डिवाइड करोगे टू से तो हो जाएगा पाई बाय फोर, ये हो जाएगा अल्फा बाय टू. करेक्ट, तो ये एग्जैक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसलिए इसके ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं. ओके, वेरी इजी सम, बहुत बार पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत आएंगे, वेरी इजी. करेक्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. नंबर नेक्स्ट दिख रहा है या थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको. चलिए, साइन सिक्स थीटा प्लस साइन फोर थीटा प्लस साइन टू थीटा इक्वल्स टू जीरो, देन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. यस, कैसे करे कैसे करे? हाउ कैन वी डू इट? मैम साइन टू थीटा को हम लोग टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हो. मैम इसको साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले से, साइन सी प्लस साइन डी. ओके, तो कौन से लोगे? बट यहाँ पे तीन है, साइन सिक्स थीटा प्लस साइन फोर थीटा, और फिर उसके बाद साइन टू थीटा को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भेजेंगे. ओके, देखो साइन सिक्स टू, अभी देखो आपको ना कॉम्बिनेशन करके देखना पड़ेगा. साइन सी प्लस साइन डी वाला करेक्ट है. ठीक है, वॉट इज सुशील सिंह? आई हैव टू यूज साइन सी प्लस साइन डी, सी एंड डी वाले. अभी साइन कैसा है? साइन अपना बंदा एकदम सुशील है ना, सुशील जैसा ही, राइट? शरीफ है, लॉयल है, तो वो साइन और कॉस दोनों को रखेगा. करेक्ट, दैट इज साइन सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू. करेक्ट, ठीक है, यस. अभी ये वाले फॉर्मूलास कभी नहीं भूलेंगे हम, है कि नहीं?
तो ये हो गया. अभी C प्लस डी, अगर मैं 60 और 40 लेती हूँ C और D, C प्लस D क्या होगा, 10 बाई 2, मतलब ये 5 थीटा हो जाएगा एक, और ये हो जाएगा थीटा, 5 थीटा एंड थीटा. ठीक है, अगर मैं लेती हूँ 60 एंड 20, 6 एंड 2 थीटा, तो 6 प्लस 2 8, 8 बाई 4, 8 बाई 2 हो जाएगा 4 थीटा, और इसका माइनस बी होगा 4, तो हो जाएगा 2 थीटा, करेक्ट. ये हो गया, ये मैंने क्या लिया था, 6 थीटा एंड 4 थीटा का कॉम्बिनेशन. ठीक है, ये मैंने लिया था 6 थीटा एंड 2 थीटा का कॉम्बिनेशन. अगर हम 4 थीटा एंड 2 थीटा वाला कॉम्बिनेशन ले, 4 थीटा एंड 2 थीटा वाला कॉम्बिनेशन, तो क्या मिलेगा, 6 बाय 2 3 थीटा. ओके, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, थीटा, करेक्ट. अभी तीन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, आइडियली आप कोई भी कर सकते हो, बट मैं ऐसे सजेस्ट करूंगी कि ऐसा कॉम्बिनेशन लो जिससे कि जो बाकी तीसरा जो बचेगा ना, आप दो का ही जोड़ी बना सकते हो, तो जो तीसरा बचेगा उसका जो एंगल है वो आपके आंसर में आना चाहिए. देखो अभी यहाँ पे कौन बच रहा है, 2 थीटा बच रहा है, करेक्ट. व्हेन वी टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ 66 एंड 4, तो 2 थीटा बच रहा है, तो क्या 2 थीटा इसमें भी कंबाइन नहीं होगा, इसमें भी कंबाइन नहीं होगा, तो वेस्ट है. यहाँ पे देखो, अगर हम 6 थीटा और 2 थीटा का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो बचेगा कौन, 4 थीटा. 4 थीटा, यहाँ भी 4 थीटा, तो कुछ ना कुछ कंबाइन हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है बाद में. Yes, ma'am. Right? इसको देखो, अभी इसमें कौन बच रहा है, 6 थीटा. 6 थीटा, तो यहाँ पे भी नहीं कंबाइन होगा, यहाँ पे भी कंबाइन नहीं होगा, तो तीनों में से फायदे वाला कौन सा दिख रहा है आपको. हाँ, 6 थीटा एंड 2 थीटा वाला, सेकेंड वाला, राइट. सो तीनों कर सकते हो, बट ऐसा करो जो आपको आगे नेक्स्ट स्टेप में भी फायदा दे. ओके, सो व्हाट वी विल डू, साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 0 हमको बोला है. हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? यस मैम. Yes. So, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको पकड़ रही हूँ सी, इसको पकड़ रहे डी. या मैम, विल यू रिपीट इट, 2 थीटा 4 थीटा एंड 6 इन द वे टीम. ये क्वेश्चन में दिया है डियर, देखो क्वेश्चन है ये. मैम ऑन द राइट साइड यू हैव पुट ना 2 थीटा एंड 4 थीटा. ओके, That one. देख, मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू दिस वन. अभी मेरे पास तीन ऑप्शन है, ठीक है, मैं सी और डी को क्या पकड़ू. अगर मैं ये देखो, सी और डी, अगर मैं लेती हूँ 6 थीटा एंड 4 थीटा, अगर सपोज पहले दो, तो यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करूंगी सी प्लस डी बाई 2, 6 प्लस 4, 10 बाई 2 क्या होगा, 5 थीटा होगा ये, करेक्ट. और ये क्या होगा, 6 माइनस 4, 2 थीटा बाई 2, ओनली थीटा, करेक्ट. इतना समझा, मैं सिर्फ ये ब्रैकेट सॉल्व कर रही हूं. हाँ, और ये दोनों लेने के बाद तीसरा कौन बच रहा है, तीसरा बच रहा है 2 थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा इज रिमेनिंग. ओके, 2 थीटा रिमेनिंग, आपको सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला पुटअप करके 5 थीटा और थीटा मिला, तो ये किसी से भी कंबाइन नहीं होगा ना नेक्स्ट स्टेप के लिए. आपको और तीन अलग अलग एंगल्स मिल रहे हैं, आपको और कॉम्प्लिकेट करना है कि सिंप्लीफाई करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है. अगर मैं लेती हूँ दूसरा कॉम्बिनेशन की 6 थीटा और 2 थीटा वाला, तो मेरा सी है 6 थीटा, डी है 2 थीटा, तो ये क्या बनेगा ब्रैकेट, 6 प्लस 2 8 बाई 2 इज 4 थीटा, एंड 6 माइनस 2 इज 4 बाई 2 इज 2 थीटा. इन दोनों को कॉम्बिनेशन लेने के बाद बचता कौन है यहाँ पे, 4 थीटा. अभी देखो,
फोर थीटा है, कुछ ना कुछ कंबाइन मिलेगा मुझे, कंबाइन कर पाऊंगी मैं, राइट। और एक है मेरे पास तीसरा, मैं ले सकती हूँ फोर थीटा और टू थीटा वाला जोड़ी, सी इज फोर थीटा, डी इज टू थीटा, सी प्लस डी, फोर प्लस टू सिक्स बाय टू थ्री थीटा, एंड ये क्या बनेगा फोर माइनस टू टू थीटा बाय टू थीटा। इन दोनों को लेने के बाद बचता कौन है, सिक्स थीटा, करेक्ट। तो मुझे बताओ इसमें से फायदे वाला कौन लग रहा है, फायदे वाला टू थीटा यहाँ पे, ये इससे भी कंबाइन नहीं होगा, इससे भी कंबाइन नहीं होगा, फोर थीटा यहाँ पे है, ये इससे कंबाइन हो सकता है, सिक्स थीटा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो सब में से फायदे वाला कौन सा लिख रहा है हमें, ये दोनों, करेक्ट। तो तीन लोग है, तीनों में से मैं दो लोगों की मुझे जोड़ी बनानी है, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेक टू पीपल, तो मैं सिक्स थीटा और टू थीटा को सी और डी बनाती हूँ, ओके। इससे होगा क्या, साइन सिक्स थीटा प्लस साइन टू थीटा प्लस साइन फोर थीटा, इसको तो हम डिलीट नहीं कर सकते, इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, साइन ऑफ, सॉरी टू साइन ऑफ सिक्स थीटा प्लस टू थीटा बाय टू कॉस ऑफ सिक्स थीटा माइनस टू थीटा बाय टू प्लस साइन फोर थीटा इक्वल्स टू जीरो, ओके। दैट इज टू साइन, ये बनेगा फोर थीटा कॉस ऑफ टू थीटा प्लस साइन फोर थीटा इक्वल्स टू जीरो। अभी ये फोर थीटा मैं कॉमन ले सकती हूँ बाहर, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट, बट आई कैन टेक दिस कॉमन, ओके। सो कॉमन लेने के बाद क्या होगा, देखो साइन फोर थीटा ये हो जाएगा टू कॉस टू थीटा प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। नाउ दिस एंड दिस इक्वल्स टू जीरो, मतलब क्या, एक तो दिस इज इक्वल टू जीरो और दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट, यस। सो पहले हम साइन फोर थीटा का कर लेते हैं, साइन फोर थीटा इक्वल्स टू जीरो। अभी साइन जीरो कभी मिलता है आपको, साइन का वैल्यू जीरो कभी मिलता है, एन पाई मल्टीपल, एन पाई मतलब मैं साइन जीरो भी लिख सकती हूँ ना, yes, सबसे छोटू वाला साइन जीरो, तो देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, करेक्ट, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, या फिर हम एन पाई भी लिख सकते हैं अगर कंफ्यूजन हो जाए तो, इसलिए एन पाई, ठीक है। तो फोर थीटा इज इक्वल टू एन पाई, ओके। सो थीटा इक्वल्स टू एन पाई बाय फोर, ये आपको मिल गया एक साइन, साइन के लिए। सेम वे मुझे कॉस के लिए मिलेगा, टू कॉस टू थीटा प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, दैट इज टू कॉस टू थीटा इक्वल्स टू माइनस वन, कॉस टू थीटा इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू, करेक्ट। अभी कॉस वन माइनस वन बाय टू कहाँ पे होता है, 120 डिग्री, 2 पाई बाय 3, हाँ करेक्ट, 2 पाई बाय 3, ओके। सो देयरफॉर हम लोग अगर एक मिल गया तो ऑप्शन में चेक करके लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, यस यस लिख सकते हो, बट देखो तीन ऑप्शंस में ना n पाई बाय 4, यस मैम, हाँ। अगर आप पहले साइन वाला करोगे सॉल्व तो आपको तीनों में दिखेगा, फिर आपको कॉस करना पड़ेगा, तो अगर आप कॉस पहले करते हो फिर शायद से पहले ही आपको आंसर मिल जाए, यस, ठीक है। सो ये बनेगा टू थीटा इक्वल्स टू टू एन पाई प्लस और माइनस टू पाई बाय थ्री, क्योंकि माइनस वन बाय टू आता है टू पाई बाय थ्री, दैट इज 120 डिग्री, ओके, टू पाई बाय थ्री। तो थीटा मेरा बनेगा
2 को लेके जाओ n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 3, करेक्ट? ये एक आया, ये एक आया, अभी ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है ऑप्शन ए में, इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो कौन सा सी और डी लेना है ये हमेशा याद रखना कि सी और डी वही लो जिसके आपको आंसर में जो थर्ड टर्म बचता है ना वो मिले। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत आएंगे, बहुत देखोगे आप, तो हमेशा यही ट्रिक यूज करना, सी और डी ऐसा लेना जिसके आंसर में आपको जो रिमेनिंग टर्म है वो मिले, सो दैट वो उसके साथ कंबाइन हो जाए। ठीक है, यस। अभी नेक्स्ट सम, इफ साइन टू थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड थीटा इज इन बिटवीन जीरो टू पाई, थीटा का रेंज आपको दिया है जीरो टू पाई, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा आर, पॉसिबल वैल्यूज पूछे हैं बिटवीन जीरो टू पाई। ओके, सो सॉल्यूशन, साइन टू थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कैसे बढ़ेंगे आगे? मैम कॉस थीटा को हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। या करेक्ट, कॉस थीटा को ही लिखो, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ, देखो कॉस थीटा इज साइन ना, तो साइन को लिखना है कॉस के फॉर्मेट में, आपको कॉस कॉस चाहिए, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज 2 थीटा यहाँ पे। मैम साइन आएगा ना, साइन ऑफ नहीं, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन होता है ना। आप यहाँ पे अगर साइन लिखोगे देन हाउ विल यू यूज अ जनरल फॉर्मूला वाला टर्म, आपको साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फिर आपको दोनों तरफ साइन साइन मिलेगा। ठीक है, वैसे भी आंसर आ जाएगा, नो वरीज। तो इसको हमने लिखा है, साइन को मैंने लिखा है कॉस के फॉर्मेट में, ठीक है, साइन को मैंने लिखा है कॉस के फॉर्मेट में, क्योंकि कॉस का जनरल सॉल्यूशन इजी होता है, दैट इज नथिंग बट जनरल सॉल्यूशन इज 2n पाई प्लस और माइनस y, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ओके, अभी यहाँ पे प्लस और माइनस है और यहाँ पे थीटा के साथ कोई है भी नहीं, तो हमको प्लस वाला भी केस देखना पड़ेगा, माइनस वाला भी केस देखना पड़ेगा, दैट इज थीटा विल बी 2n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा विल बी 2n पाई माइनस पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। ठीक है, तो एक बार मैंने माइनस प्लस ले लिया, एक बार मैंने माइनस ले लिया। अगर आप बाहर प्लस लेते हो तो 2 थीटा विल बी माइनस ओनली, अगर आप बाहर माइनस लेते हो तो ये पॉजिटिव हो जाए। ओके, आई होप इतना समझ में आता है अभी। ठीक है, तो ये देखो अभी थीटा को शिफ्ट करेंगे, ये जो थीटा है इसको शिफ्ट करो, इसको भी शिफ्ट करो, क्योंकि थीटा थीटा सब एक साइड पे ही होना चाहिए। तो ये बनेगा 3 थीटा 2n पाई प्लस पाई बाय 2, और ये बनेगा थीटा माइनस 2 थीटा, तो ये बनेगा माइनस थीटा। टू एन पाई माइनस पाई बाय 2, अभी 3 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, 2 बाय 3 एन पाई प्लस पाई बाय 6, और इसको माइनस 1 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट। ओके, माइनस 2 एन पाई माइनस पाई बाय 2 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया। अभी हमारी थीटा की वैल्यू किसके बीच में है, 0 टू पाई के बीच में, सिर्फ 0 टू 180 के बीच में, करेक्ट? यस मैम, यस। सो कॉस का वैल्यू हमें चाहिए, कहाँ कहाँ पे मिलेगा,
मैं एक बार रिपीट करो आपने क्या बोला. मैंने बोला कि अभी देखो सिंस थीटा इज बिटवीन जीरो टू पाई. ओके तो अभी आपको नहीं को थीटा के वैल्यूज चाहिए. कौन से वैल्यूज इस दोनों को सेटिस्फाई करेंगे दोनों में. मुझे तो ऐसे ही लिखती हूँ कोई जरूरत नहीं है इसमें. 1/3 टू एन पाई प्लस 5/2. अगर n इक्वल टू जीरो मैंने पुटअप किया, n इक्वल टू जीरो मैंने यहाँ पे डाला तो क्या आएगा इसका वैल्यू. 5/6 है ना. 5/6 जीरो टू पाई के बीच में आता है क्या. यस यस. ओके सो थीटा इक्वल्स टू एक आ गया 5/6. अगर यहाँ पे जीरो डालो तो क्या मिलेगा. माइनस भी जाते हैं बट हम माइनस नहीं करेंगे जीरो. अभी वन डालो, वन सब्स्टिट्यूट करो क्या मिलेगा. ऑप्शन चेक करते हैं. ओके अच्छा ये डिग्रीज में दिया है तो पाई बाय सिक्स इज 30 डिग्रीज 90 डिग्रीज. तो 30 डिग्रीज 90 डिग्रीज का आग पे 30 90 30 90 कौन सा वाला आएगा ए या डी. डी या फिर n इक्वल टू वन डाल के देखो ना. n इक्वल टू वन डाल के देखो क्या आएगा यहाँ पे. 2 पाई प्लस पाई बाई टू. टू पाई प्लस पाई बाई टू हो जाएगा 5 पाई बाई सिक्स. 1/3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पाई बाई सिक्स कितना होता है. 150 आता है क्या जीरो टू पाई के बीच में. आता है करेक्ट. yes. तो 5 पाई बाय 6 भी आएगा. इसमें डालो n इक्वल टू 1 तो माइनस 2 पाई माइनस पाई बाय 2 आएगा. हाँ 3 पाई बाय 2 आएगा. ये वाला माइनस टू पाई माइनस पाई बाय टू कितना आएगा. ये 4 मैम वो माइनस बाहर है ना और उसके बाद बीच में माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा. प्लस पाई बाय टू तो ये क्या बनेगा. माइनस 4 पाई प्लस पाई बाय टू तो माइनस 3 पाई बाय टू. दैट इज हाउ मच 270 डिग्री. हाँ 270 डिग्री आता है क्या जीरो टू पाई के बीच में. नहीं तो ये वैल्यू नहीं आएगा. वैसे भी हमें तीन ही वैल्यू चाहिए. ओके सो दैट इज डी ऑप्शन 150 डिग्री इज द लास्ट वन. ओके तो ये कहाँ से आया. लेट मी राइट इट हियर रीजन नहीं तो बाद में आपको याद ही नहीं रहेगा. ये कहाँ से आया. बाय पुटिंग n इक्वल टू जीरो एंड वन एंड सो ऑन. अब पुट करते जाओ बस आपको ये रेंज याद रखनी है क्योंकि रेंज इसी के लिए दी है. ऐसे तो n का वैल्यू कुछ भी डालोगे आप कुछ ना कुछ आंसर जरूर मिलेगा
बट जीरो टू पाई के बीच में कितने आ रहे हैं, तो तीन आ रहे है ना. गेटिंग माई पॉइंट? यस, दैट इज ऑप्शन डी. ओके, तो जो भी हमने सीखा है सबके बारे में, सब कुछ यूज करना पड़ता है एक ही क्वेश्चन में. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं. द वैल्यू ऑफ थीटा सैटिस्फाइंग 7 थीटा माइनस 4 थीटा इक्वल्स टू 4 थीटा माइनस साइन थीटा एंड थीटा का दिया है 0 टू पाई बाय 2 के बीच में, सिर्फ और सिर्फ 0 टू पाई बाय 2, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो थीटा फाइंड आउट करना है बिटवीन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट. मैम साइन थीटा को एलएचएस में लाएंगे और फिर उसके बाद पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन 7 थीटा प्लस साइन साइन थीटा हो जाएगा. फिर उधर से हम लोग साइन सी प्लस साइन डी यूज करेंगे, उधर से 4 थीटा निकलेगा. यस यस, करेक्ट करेक्ट. ओके, सो पहले तो जो दिया है वो लिखते हैं. ठीक है, ये दिया हुआ है. जब भी तीन एक तरह के दिखे ना, तो हमें कुछ ना कुछ वही करना पड़ेगा, सी डी सी एन डी वाले फॉर्मूले. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर 7 और 1 को मैं ऐड करूं तो बनता है 8, 8 बाय 2 इज 4, 4 4 सेम आ रहा है. तो मैं क्या करूंगी, ये जो माइनस साइन है उसको लेके जाएंगे यहाँ पे, प्लस हो जाएगा. अभी पुट अप करेंगे सी एन डी वाले फॉर्मूले, दैट इज 2 साइन 7 थीटा प्लस थीटा बाय 2 कॉस ऑफ 7 थीटा माइनस थीटा बाय 2 इक्वल्स टू साइन 4 थीटा. ठीक है, ये बनेगा 2 साइन, ये देखो यहां से मुझे एक 4 थीटा मिला, यहां से कॉस ये मिलेगा 3 थीटा. ठीक है, ये मिलेगा 3 थीटा. एंड इसको भी लेके आओ, अभी ये प्रीवियस सम जैसे ही हो गया, वापस साइन 4 थीटा कॉमन एंड 2 कॉस 3 थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, 2 कॉस 3 थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो देयरफॉर इसमें से भी दो चीजें मिलेंगी, राइट? दैट इज एक तो साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 cos 3 theta minus 1 is equal to 0. Correct? तो यहां से वापस we have to find out the values. Okay? So, ये क्या बनेगा यहां से? Sin 4 theta equals to sin 0 और n pi. Therefore, theta is equal to n pi by 4. पर क्या n pi by 4 है क्या? नहीं, मुझे सिर्फ 0 to pi by 2 में चाहिए. ठीक है, 0 to pi by 2 में. तो ये n लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, ये n लिखने की जरूरत नहीं है. तो pi by 4 आता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में. Yes. Yes. तो मैंने इसलिए pi by 4 लिया, एक वैल्यू मिल गया मुझे pi by 4. पाई बाय फोर को कितने ऑप्शंस में देखते हैं. चलिए यहाँ पे है दो ऑप्शन और टी में. ठीक है, तो अभी हमें एक तो कॉस के लिए पाई बाय 3 नहीं तो पाई बाय 9 ऐसा कुछ तो मिलना चाहिए. हाँ करेक्ट, कॉस 3 थीटा इज 1/2. अभी 1/2 कहाँ कहाँ पे होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? कॉस 60 डिग्री पाई बाय 3. Correct. So 3 theta will be pi by 3. Correct. Theta will be pi by 9. Okay. तो क्योंकि सिर्फ first quadrant में चाहिए, 0 to pi by 2 के बीच में चाहिए, इसलिए हम लोग n pi वाले general formula में नहीं जा रहे, general solution में नहीं जा रहे. Okay. That is option D. वेरी इजी. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत दिखेंगे आपको, बहुत ज्यादा, जहां पे साइन 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 कॉस 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 ऐसे दिया है और आपको बोला है थीटा के वैल्यूज निकालो.
अगर सेटिस्फाइंग कुछ नहीं बोला है तो आपको पूरा जनरल में निकालना है, अगर कोई रेंज दिया है तो बस उसी रेंज में थीटा के क्या वैल्यूज आएंगे वो हम पता कर. ओके, सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल या क्लासिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन. हम इक्वेशन का सोल्यूशन ही निकाल रहे हैं ना, थीटा का वैल्यू मतलब क्या, इक्वेशन का सोल्यूशन. नेक्स्ट, या नाउ दिस इज अ वेरी नाइस सम, एकदम बढ़िया समय ये वाला. मैम ऑप्शन ए होगा शायद. ओके, इट इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन ए. क्वेश्चन पढ़ो ठीक से पहले. द इक्वेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दिख रहा है क्या ये ठीक से, प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टू, हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस, वन टू इनफाइनाइट या नो, ये आपके ऑप्शन है. ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टू, डी ऑप्शन आएगा. क्यों डी ऑप्शन मैम, क्योंकि ना साइन और कॉस का ग्राफ माइनस वन और माइनस वन और माइनस वन में होता है, फिर जहाँ पे 90 अगर होगा, अगर कॉस 90 जीरो हो जाएगा फिर वन होगा, ऐसा करके हम लोग चेक करेंगे ना, तो नो सॉल्यूशन आएगा. अच्छा, किसी को समझा एक्सप्लेनेशन सुशील का? नो मैम. सुशील और एक बार ट्राई करोगे? मैम अगर हम लोग ग्राफ में ना एक एक वैल्यू प्लॉट करेंगे, मतलब जैसे कि माइनस वन जाते हैं ना साइन का ग्राफ माइनस वन से वन तक, और फिर कॉस का ग्राफ माइनस वन से वन तक जाता है, उसमें अगर एक वैल्यू भी पुट करते जैसे कि 90 डिग्री पुट किया, तो साइन ऑफ 91 हो जाएगा और कॉस ऑफ 90 जीरो हो जाएगा, तो दोनों का एडिशन होगा वन, और फिर उसके बाद नॉट इक्वल टू टू आएगा. अगर हम लोग एक और वैल्यू चेक करेंगे जैसे कि 60 डिग्री, तो उसका ऑप्शन आएगा मतलब अंडर रूट 3/2 प्लस हाफ, तो ऐसा सबमिशन करने के बाद ना वो टू नहीं बनाएगा, इसलिए नो सॉल्यूशन. ओके ओके, यस, मुझे तो समझा है. ठीक है, बाकी लोगों को क्यों नहीं समझा मैं बता दूं. आप ऐसे बोलो ना ग्राफ, अभी समझा? यस मैम. अरे वाह, वेरी गुड सुशील, देखो समझ रहा है स्टूडेंट्स को. ठीक है, फिर भी मैम थोड़ा सा बहुत फास्ट बोला था सेकंड टाइम. करेक्ट, यस. तो वो क्या बोलना चाहता है कि साइन और कॉस का ऐसा कोई भी एक वैल्यू नहीं है जहां पे आपको सेम मिले. अभी आपको इसका दोनों का एडिशन टू चाहिए. तो बेसिकली अगर यहाँ पे वन है और यहाँ पे भी वन है, तो वन प्लस वन इक्वल टू टू मिलेगा आराम से, या फिर कुछ भी. ऐसे कंपल्सरी नहीं है कि सिर्फ वन और वन ही होना चाहिए, कुछ और भी हो सकता है. बट साइन अगर जब ये जीरो है तो यहाँ पे वन है, तो साइन और कॉस एक ऐसा फंक्शन है ना कि आपको कभी भी किसी भी दो पॉइंट पे इनका आंसर टू मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं. एकदम सिंपल वन वन भी अगर पकड़े, साइन एक्स वन कहीं कहाँ पे होता है, साइन वन 90 डिग्री, करेक्ट, और कॉस वन कहाँ पे होता है, जीरो डिग्री, है ना. तो कभी साथ में आएंगे ही नहीं, एक दूसरे के मिलेंगे ही नहीं एक दूसरे से, तो आपको टू मिलेगा ही. मतलब इस इक्वेशन का सोल्यूशन, एक्स का ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं बना है जहां पे आपको टू आंसर मिले. यस, तो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा ओरली है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ज्यादा कुछ नहीं है. सो बेसिकली मैं वही लिखना चाहूंगी अभी कि नो सोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर. वाई? बिकॉज बोथ साइन एंड कॉस, both sine and cosine, okay, do not attain their maximum value, that is one, okay. अभी बाकी के सारे values तो one से नीचे ही होंगे, तो अगर आप उनको add भी करोगे तो आपको sum two से कम ही मिलेगा ना, है कि नहीं. हाफ हाफ ऐड कर दो, या हाफ और रूट 3/2 ऐड कर दो, हाफ और 1/√2 ऐड कर दो, आपको कुछ ना कुछ टू से कम ही मिलेगा. तो उनका जो मैक्सिमम वैल्यू वन है, वो दोनों एक साथ आते ही नहीं है वन की तरफ, इसीलिए फॉर
सेम एंगल एंड दैट इज वाई दिस इक्वेशन विल हैव नो सोल्यूशन. समझा है? यस यस. अगर ये क्लियर है ना आपके दिमाग में कि अरे साइन क्या है, कॉस क्या है, तो ये देखो कितनी बार क्वेश्चन आया है, तो ऑब्वियसली इसके बाद भी वो आ सकता है. इसको सॉल्व कुछ नहीं करना है, बस आपको सोचना है इसके बारे में, एंड देन यू हैव टू मार्क द आंसर. या ग्रेट. नेक्स्ट सम. ओके, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ इक्वेशन. सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हाँ, सॉर्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. करेक्ट करेक्ट. सो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 टू 5 पाई सैटिस्फाइंग द इक्वेशन 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है. अभी सबसे पहली बात, जैसे सुशील ने कहा कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब क्या, हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, फैक्टर्स निकाल के सॉल्व करते हैं कि नहीं? यस मैम. आपको जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे देखने को मिलता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. यहाँ पे जो अपना एक्स है ना वो है साइन एक्स, इस बार पूरा का पूरा साइन एक्स आपका एक्स है. तो वैसे ही स्टार्ट करो, पहले हम लोग साइन एक्स का वैल्यूज ढूंढेंगे, रूट्स ढूंढेंगे. 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो साइन एक्स को पकड़ो, कोई भी दूसरा लेटर, और फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो. बताओ क्या आएगा इसका. कैन यू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ माइनस 7? माइनस 6 एंड माइनस 1. करेक्ट. तो यहाँ पे 3 है तो वो 3 टू 6 बनेगा. ठीक है, 6 के ऐसे फैक्टर्स या फिर ऐसे फैक्टर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन इज 6, एडिशन इज माइनस 7, दैट इज माइनस 6 एंड माइनस 1. करेक्ट. 6 कहाँ से आया, क्योंकि मैंने 3 और 2 को मल्टीप्लाई. अभी 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0. यहां से मैं कॉमन लेती हूँ 3 साइन एक्स कॉमन, साइन एक्स माइनस 2, ये तो माइनस साइन एक्स माइनस 2 ही है, इक्वल्स टू 0. तो ये बनेगा 3 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और साइन एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये क्या बनेगा, साइन एक्स इक्वल्स टू 1/3 और साइन एक्स इक्वल्स टू 2. अभी मुझे बताओ साइन एक्स इक्वल टू 2 पॉसिबल है क्या? नो मैम. नो, क्योंकि साइन का वैल्यू 1 से आगे जाएगा ही नहीं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. हमारे पास है सिर्फ 1/3. ठीक है, 1/3. अभी देखो, ये एक और गुगली मारा है उन्होंने. क्या गुगली मारा है, 0 टू पाई बाय 4, 0 टू 5 पाई बोला है. ये क्यों बताया 0 टू 5 पाई? सी, अगर मैं एक सर्कल बनाऊ, ठीक है, अभी ये थोड़ा सा, हाँ ये सर्कल है, यहाँ पे होता है 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 अगेन 2 पाई. करेक्ट, बट मुझे 5 पाई चाहिए, तो यहाँ पे मैं जाऊंगी, यहाँ पे आएगा 3 पाई, वापस मैं आऊंगी, यहाँ पे आएगा 4 पाई, फिर मैं वापस जाऊंगी, यहाँ पे आएगा 5 पाई. है कि नहीं? मतलब एक पूरा राउंड, दूसरा पूरा राउंड और तीसरा हाफ, 2.5 राउंड जब आप मारोगे तभी 5 पाई मिलेगा. yes, ma'am. समझा क्या बोला मैंने? देखो और एक बार, जीरो से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, 0 टू पाई, ठीक है, फिर पाई बाय 2, 3 पाई, 4 पाई
एंड 5 पाई ऐसे. तो ये जब आप इतना घूमोगे तभी आपका 5 पाई कंप्लीट होगा. अभी 0 टू 5 पाई तक साइन 1/3 कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ 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 मिलेगा ये आपको बताना है. तो साइन कहा, ये देखो पॉजिटिव है ना, दिस इज पॉजिटिव. तो साइन कहां कहां पॉजिटिव है मेरे बच्चों, वेयर इज साइन पॉजिटिव? फर्स्ट एंड सेकंड. करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड. अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी थीटा होता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, थीटा, या फिर और कैसे लिखते हैं, 90 माइनस थीटा. हाँ अभी मैं यहाँ पे लिखूं थीटा, या फिर हम लिखते हैं इसको 90 माइनस थीटा, या फिर और 2 पाई प्लस थीटा. यस, 2 पाई प्लस थीटा करेक्ट. अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो हम उसको कैसे लिखते हैं, पाई बाय 2 प्लस थीटा, या फिर पाई माइनस थीटा. अभी मुझे साइन का साइन ही रखना है ना कि कॉस में जाना है, कॉस में जाना है हमें, साइन ही रखना है. तो पाई बाय 2 को हटा दो. ओके, पाई बाय 2 को हटा दो. अभी सबसे पहले 1/3 कहाँ पे आएगा, लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू थीटा. इसको थीटा रहने, ठीक है. एंड ये जो थीटा है, अभी देखो, तो साइन 1/3 कहाँ कहाँ पे मिलेगा आपको, एक तो थीटा, फिर इधर आओ पाई माइनस थीटा. करेक्ट, थीटा क्या है वो मुझे नहीं चाहिए. फिर मुझे 5 बार जाना है ना, सो 1 2. अभी मैं यहाँ पे आ रही हूँ तो यहाँ पे आते आते वापस एक बार और मिलेगा 2 पाई प्लस थीटा. करेक्ट, वापस यहाँ पे आऊंगी तो और एक मिलेगा ना, ये क्या बनेगा, 3 पाई माइनस थीटा. करेक्ट, और एक बार यहाँ पे आऊंगी मैं, ये बनेगा 4 पाई प्लस थीटा. फिर यहाँ पे आके मुझे रुकना है. करेक्ट, दिस विल बी 5 पाई माइनस थीटा. समझा है क्या कि बाउंसर गया. एक बार वापस बताओ. यस मैम, रिपीट प्लीज. ओके ओके, अच्छा ये समझा है क्यों इतना बार घूमना है हमको. यस मैम. हाँ तो मैं ये डायग्राम रख करती हूँ. ओके, जस्ट अ मिनट. ओ, बड़ा सा एक्सिस मैंने बना दिया है. अभी क्या है, सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट कर, ये कौन है, जीरो. करेक्ट, फिर यहां पे जब आप आते हो ये कौन है, पाई. बराबर, फिर यहां से मैं वापस चालू करती हूँ, यहाँ पे आती हूँ, ये कौन है, 2 पाई. वापस यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं. यस, 2 पाई. यहां से वापस आते हैं, ये क्या है, 3 पाई. करेक्ट, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं बस घूम रही. क्यों मुझे घूमना है, क्योंकि मुझे 5 पाई कंप्लीट करना है. ओके, वापस घूमो, घूमते रहो बस. ये कौन है, 4 पाई. करेक्ट, वापस घूमो. अभी मैं कंप्लीट हुआ मेरा 5 पाई. तो मुझे कितने चक्कर मारने हैं, 2 पूरे एंड 1 हाफ, 2.5 सर्कल्स. ठीक है, 2.5 सर्कल्स. अभी ये जो मैं 2.5 बार घूम रही हूँ तो ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट. अभी मेरा साइन पॉजिटिव कहाँ पे है, यहाँ पे है एंड यहाँ पे. तो ये दोनों क्वाड्रेंट्स कितनी बार आए, देखो 1 1 2
तीन चार पांच छः है कि नहीं? हाँ, तो मेरे छह बार मुझे साइन का वैल्यू मिलेगा कि नहीं? Yes. Will I get साइन का वैल्यू सिक्स टाइम्स? अभी देखो, अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है, इफ आई मेक अ ग्राफ ऑफ साइन, देखो आई एम गोइंग टू ट्राई टू मेक द ग्राफ. तो ये जीरो टू टू पाई, टू पाई तक ऐसे दिखता है एक साइन वेव. टू जीरो टू फोर पाई एंड दिस इज जीरो टू फाइव पाई. ठीक है, तो ये कौन है? ये है जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई. ये आपका पूरा साइन का ग्राफ है अप टू फाइव पाई. अभी वन बाय थ्री, सपोज वन बाय थ्री कहाँ पे होता है? इट इज समवेयर हियर, लेट्स सी. तो ये कितनी बार आएगा? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच, छह, है कि नहीं? Yes. ये देखो पॉइंट ऐसे जा रहा है ना. मैं एक अगर वन बाय थ्री पे, ये है वन बाय थ्री, ठीक है, वन बाय थ्री पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारू तो कितनी बार कट करेगा साइन के ग्राफ को? कितनी बार कट करेगा? सिक्स टाइम्स. ओके, सिक्स टाइम्स कट करेगा. या फिर इन अदर वर्ड्स, व्हेन आई एम रोटेटिंग फाइव टाइम्स, ठीक है, मतलब ये दो बार सर्कल और ये हाफ सर्कल, तो मैं कितने बार फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट से पास हो रही हूँ? सिक्स टाइम्स पास हो रही. क्यों ऐसा? क्यों मैं फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट की को ही मान रही हूँ? क्योंकि मुझे ये मिला है, साइन वन बाय थ्री मिला है. ओके, वन बाय थ्री साइन कहाँ पे होता है? आई डोंट केयर, मुझे थीटा नहीं चाहिए, मुझे बस उसका वैल्यूज चाहिए, है ना. तो मैं पहले वाले को थीटा पकड़ रही हूँ, ठीक है, दूसरा वाला मुझे मिलेगा जब मैं यहाँ पे आती हूँ, दैट इज देखो यहाँ से यहाँ तक पाए माइनस थीटा, फिर ये है टू पाई प्लस थीटा, अगेन थ्री पाई माइनस थीटा. तो ऐसे अगर ये नहीं समझा है ना तो छोड़ दो, बट ये सारे वैल्यूज पे आपको थीटा या फिर एक्स मिलेगा, आपको एक्स मिलेगा. तो बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि जीरो टू फाइव पाई तक साइन का वैल्यू वन बाय थ्री सिक्स टाइम्स आता है, करेक्ट? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, है ना? Yes. फाइव सिक्स. सो जीरो टू फाइव पाई तक साइन का वैल्यू, साइन का वैल्यू एक्स का चाहिए ना मुझे. एक्स का कितने वैल्यूज पे वन बाय थ्री मिलता है? तो सिक्स वैल्यूज पे, अलग अलग सिक्स वैल्यूज है. वो वैल्यूज क्या है पूछा है क्या आपको? No. आपको मुझे पूछा है नंबर, तो सिक्स इज द आंसर. समझा है? Yes. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बस आपको ये रेंज बड़ा कर दिया. अगर मैंने पूछा होता कि सिर्फ जीरो टू टू पाई तक मुझे चाहिए, जीरो टू टू पाई तक मुझे चाहिए, तो कितने वैल्यूज आते? तीन आता. पक्का? Yes, ma'am. नहीं, टू पाई ना मैम, जीरो से टू पाई. हाँ, तो जीरो से टू पाई, ये जो थर्ड है तो वो टू पाई प्लस थीटा है ना. जीरो से टू पाई तो बस इतना ही है. जो तीसरी बार आप जाते हो ये वाला, तो ये टू पाई से आगे जाके मिलेगा ना, कि टू पाई के पहले ही मिलेगा? टू पाई के बाद मिलेगा. हाँ, तो टू पाई तक बोला तो सिर्फ दो वैल्यूज. अगर मैंने बोला थ्री पाई, फोर. देखो थ्री पाई यहाँ पे है ना, थ्री पाई. अगर मुझे थ्री पाई यहाँ पे है, ये दिस इज योर थ्री पाई, और मुझे यहाँ की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं? थ्री पाई माइनस थीटा करते हैं ना. तो ऑड वैल्यू से माइनस करोगे, इवन को प्लस करोगे,
बट ठीक है, इतना ज्यादा अभी कंफ्यूज मत हो, जो समझा है वो भी भूल जाओ, है ना? समझा है पक्का ये वाला सम? यस। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। वापस वही बोला है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले बहुत सारे क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बहुत बार पूछेंगे ऑफ द इक्वेशन। तो आपको नंबर पूछा है सिर्फ, क्या है वो सॉल्यूशन नहीं आया तो भी चलेगा, बस आपको इतना फाइंड आउट करना है कि कितने सॉल्यूशन, कितने वैल्यूज आ रहे हैं आपको, कितने आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है? या सो गिवन जो है वो लिखते हैं, सॉल्यूशन tan x प्लस sec x इक्वल्स टू 2 cos x, ठीक है ना? यहाँ पे भी इंटरवल देखो 0 टू 2 पाई बोला है, तो हाँ वो भी याद, वो भी ध्यान रखो इंटरवल क्या बोला है ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एनी आइडियाज? tan को sin by cos लिखेंगे और sec को 1 by cos। ओके, फिर cos को ना RHS में भेजेंगे तो cos square x हो जाएगा, और फिर उसके बाद इधर 1 plus sin x होगा left hand side। Correct, very good। तो tan को मैंने लिखा है sin x upon cos x, ये बनेगा 1 upon cos x 2 cos x, तो cos cos को भेजो उस साइड, sin x plus 1 equals to 2 cos square x, right? Yeah, अभी 2 cos square x को या फिर cos square को 1 माइनस sin square लिख सकते हैं। अभी ये क्या है, a square माइनस b square, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, a प्लस b एंड a माइनस b। मैम अगर डायरेक्टली इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो भी चलेगा ना? हाँ तो भी चलेगा, बट ये देखो यहाँ से मुझे ये एक पूरा ब्रैकेट ही कैंसिल हो गया, है ना? एक पूरा ब्रैकेट ही कैंसिल हो गया। तो फिर बचा क्या अभी इसमें, टू वन माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो। करेक्ट, दैट विल बी टू माइनस टू साइन एक्स, कुछ गलती हुआ क्या? हाँ राइट, यहाँ पे वन बाकी है ना, सो दिस विल बी वन नॉट जीरो, कैंसिल कर रहे हो ना आप सिर्फ, तो वन हो जाएगा। ओके, सो ये अगर आप सब कुछ एक साइड पे लेते हो तो क्या रहेगा, टू इंटू वन माइनस साइन एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, अभी जीरो है तो कैंसिल जब भी करते हैं तभी जीरो मत लिखो, इसलिए ना दिस विल बी टू माइनस टू साइन एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। ओके, एंड दिस विल बी टू माइनस वन वन साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू मिलेगा क्या मुझे, देखो तो माइनस या प्लस जरा कंफर्म करो। माइनस, पक्का माइनस? यस यस, प्लस आएगा, प्लस प्लस आएगा ना? यस मैम, यस। अभी बस इतना ही है, साइन एक्स हाफ, तो हाफ जीरो टू पाई के बीच में, जीरो टू पाई के बीच में कितनी बार आता है,
जीरो टू टू पाई के बीच में, जैसे कि हम प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं साइन एक्स का, करेक्ट? तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, करेक्ट? दो बार आएगा, यस। सो एक्स विल बी पाई बाय सिक्स एंड फाइव पाई बाय सिक्स, करेक्ट? यस मैम। इन जीरो टू टू पाई, तो बेसिकली अगर जीरो टू टू पाई पूछ रहे हैं तो इट इज नथिंग बट प्रिंसिपल सोल्यूशन हो, प्रिंसिपल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन जैसे निकालते हैं वैसे ही करना है। तो दैट इज ऑप्शन सी, टू सोल्यूशन, करेक्ट? तो मैंने पहले ही मार्क नहीं किया क्योंकि कभी कभी जीरो टू टू पाई के बीच में किसी किसी का तीन भी मिल जाता है कभी कभी, ओके? सो जस्ट बी केयरफुल, डो नॉट लाइक जस्ट मार्क टू एंड गो अहेड, ओके? या नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल सॉल्यूशन, साइन एक्स माइनस थ्री साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स। अच्छा, इसको मैं लिख देती हूँ तभी अच्छे से समझ आएगा। क्या दिया रे मैम, अगर हम इसमें से साइन कॉमन ले ले और कॉस कॉमन ले ले तो कैसे लोगे साइन कॉमन? साइन के एंगल्स सब अलग अलग है, इसमें भी साइन सी प्लस साइन डी यूज करेंगे। यस, देखो साइन सिर्फ साइन साइन एक्स होता ना तो आप कॉमन ले सकते, बट हर एक साइन का एंगल अलग है, इसका 1x 2x 3x, यहाँ पे भी 1x 2x और ये है 3x। तो किन दोनों का जोड़ी बनाओगे सी और डी फॉर्मूला के लिए? फर्स्ट एंड थर्ड, यस, फर्स्ट एंड थर्ड का जोड़ी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, कोएफिशिएंट 3, तो वो नहीं चलेगा, तो इसको ले लो सी, इसको ले लो डी, या फिर उल्टा सुल्टा चलेगा, बड़े वाले को लेते हैं, इसको सी, इसको डी, डी एंड सी दोनों तरफ करेंगे, ठीक है? And now I'm going to try to write directly. That is 2 sine x plus 3x by 2 minus 3 sine 2x equals to 2. Oh, कुछ रह गया. Cos x. थ्री एक्स प्लस एक्स बाय टू कॉस थ्री एक्स माइनस एक्स बाय टू माइनस थ्री साइन टू एक्स इक्वल्स टू, अभी व्हाट इज कॉस सी प्लस कॉस डी? कॉस ऑफ टू कॉस ऑफ सी प्लस डी इनटू कॉस ऑफ कॉस सी माइनस डी बाय टू। हाँ, तो कॉस कॉस ही आएगा, राइट? टू कॉस ऑफ by 2 cos of minus 3 cos 2x, okay? So therefore this will be 2 sin 2x cos of x minus 3 sin 2x equals to 2 cos 2x cos of x minus 3 cos 2x, ठीक है? ये हो गया। अभी सबको ना मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ, सब लोगों को। जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस। पेस्ट। साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, इक्वल्स टू जीरो, ठीक है? सबको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया अभी, ठीक है? अभी हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं या फिर कुछ भी फैक्टर्स बना सकते हैं। टू कॉस ऑफ एक्स कॉमन लेंगे,
हम उसको पहले अरेंज करेंगे. ओके या फिर मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है साइन टू एक्स साइन टू एक्स कॉस टू एक्स कॉस टू एक्स है ना. यस तो वो मैं कॉमन लेती हूँ दैट इज साइन टू एक्स कॉमन टू कॉस एक्स माइनस थ्री एंड माइनस कॉस टू एक्स कॉमन टू कॉस एक्स माइनस थ्री जी. अभी देखो सेम ब्रैकेट मिल गया सो टू कॉस एक्स माइनस थ्री एंड साइन टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स इक्वल्स टू जी. सो टू कॉस एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो और साइन टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स इक्वल्स टू जीरो. ठीक है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ बेसिकली cos 2x इज इक्वल टू sin 2x. साइन को कर दो cos में कन्वर्ट दैट इज cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2x. करेक्ट इसका जनरल फॉर्मेट 2x इज इक्वल टू n पाई सॉरी 2 n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 2 माइनस 2x. करेक्ट अगर 2 2 2 डिवाइड कर दिया मैंने थ्रू आउट तो क्या मिलेगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस पाई बाय 4 माइनस 6 पाई बाय 4 माइनस 6. ठीक है बट ऐसा कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे नो पाई बाय 8 है या फिर 3 पाई बाय 2 है. अरे कहा गया मेरे क्वेश्चन. ये देखो अभी ये मैंने सॉल्व क्यों नहीं किया देखो ये बनेगा कॉस ऑफ 3 एंड कॉस एक्स इज इक्वल टू 3 बाय 2. क्या ये पॉसिबल है? वो 1.5 होगा तो पॉसिबल नहीं है. हाँ यस ये देखो ये क्या है दिस इज 1.5. कॉस का वैल्यू 1 से ऊपर जाएगा ही नहीं सो दिस इज नॉट इक्वल तो इसलिए मैंने ये सॉल्व भी नहीं किया. बट यहाँ पे अभी हमें कुछ तो करना है ताकि हमें एक्स हाँ तो ये एक्स भी है ना इसको भी वापस यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा. अगेन 2x इज इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस पाई बाय 8 सॉरी पाई बाय 4. करेक्ट सो x विल बी व्हाट n पाई बाय 2 प्लस और माइनस पाई बाय 8. समझे? यस x था वापस उसको लेफ्ट साइड पे लेके गई तो इसलिए तभी पाई बाय 8 आया. पाई बाय 8 n पाई बाय 2 दैट इज ऑप्शन बी. हाँ शायद यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा नहीं है. ठीक है समझा है? Yes, ma'am. Okay, so next is about relation between sides and angles. This we will do next time only. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Yes, so you can mark your attendance and then leave the session. अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो.